वो सनक मांगते हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनर्जी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, सीएए को वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं सही है, नहीं सही है, नहीं सही है। एनर्जी को नहीं सही है, नहीं सही है, नहीं सही है। एनपीआर को नहीं सही है, नहीं सही है, नहीं सही है। बीजेपी को नहीं सही है, पूरे हिंदुस्तान ने, मेरे हिंदुस्तान की तमाम माँ बहनों ने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं। मैं इस नज्म के हवाले से मेरी हाजिरी यहाँ हुई है, मैं वो पेश कर रहा हूँ, आप सब पूरी तरह से शरीक हो जाएं। मुलादा फरमाएं। कितना है अज़्म हौसला हक के चराग में, कितना है अज़्म हौसला हक के चराग में, देश की जनता को सलाम, देश की जनता को। कितना है अज़्म हौसला हक के चराग में, ज़ालिम हवाओं देख लो शाहीन बाग में, सलाम देश की जनता को। सितम से आपके बेजारी हो गई, अब मरने देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी वाहवाही में अपनी इज्जत में लगे हुए हैं, 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और क्या बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके। अच्छा ये समझिए करोड़ों लोग ये झोला के चक्कर में क्यों पड़े, क्योंकि आवाज सॉरी झोले के चक्कर में क्यों पड़ी, दरअसल इनकी आइडियोलॉजी ये है, इनकी थिंकिंग ये है कि देश को
इकोनॉमिकली इतना कमजोर बना दिया जाए कि पूरा जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास रहे, बाकी सब लोगों के पास क्या रहे? गोला। आम पब्लिक के पास क्या रहे? गोला। इसके लिए बार बार क्या बोलते हैं? झोला लेके चल रही है। ठीक है, अब मेरी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का मेरा टाइम था, तो ये 10 मिनट मेरा हो गया, तो मैं थोड़ा क्या इंटरनेट हो गया, अब कुछ इम्पोर्टेंट और अहम बात करता हूँ। आज हुकूमत पर बीजेपी की और आरएसएस की हुकूमत है, सबको मालूम है ना? सबको मालूम। तो आपको क्या लगता है ये 5-10 दिन 2-5 साल की मेहनत है? नहीं, ये 100 साल की मेहनत है। तो 100 साल की मेहनत मतलब क्या? जैसे अपन खड्डा खोदते रहते हैं, ऐसे ही लोग कुछ खड्डा का खोद रहे थे, क्या है मेहनत मतलब क्या? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी टास्क को, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए किन किन ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उनके लोग अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मजहब को, अपने ग्रुप को, अपने संघ को मजबूत बनाने के लिए जो लोग पैसा दे सकते हैं वो पैसा दे रहे हैं, जो लोग पैसा नहीं दे सकते वो लोग वक्त दे रहे हैं। हमारे लोग जब रिटायर होते हैं तो गोद में पोती पोता में लगे चीज गिराने चले जाते हैं। ये हंसने का मकाम नहीं है, ये अफसोस करने का मकाम है। हमारे लोग रिटायर होने के बाद आइसक्रीम की दुकान चालू कर रहे थे, रिटायर होने के बाद कपड़े की दुकान डाल के बैठ जाते हैं, जबकि उनकी जिंदगी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस अगर वो चाहे तो अपने कौम के नौजवानों को दे सकते हैं, कौम की लड़कियों को दे सकते हैं, जिससे उनका मुस्तकबिल भी संवर सकता है। मगर ये जहन हमारे लोगों में नहीं है, ये जहन बनाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके हमको कामयाबी आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कल कौसर फसल ले रब्बी का वन हर, इन्ना शानिया का आपको कसरत मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको उरूज मिलेगा। आप क्या कीजिए, फसल ले रब्बी का वन हर, वन हर मतलब कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी मतलब सिर्फ बकरा काटना नहीं है, सिर्फ जानवर काटना नहीं है, असल कुर्बानी जो है वो वक्त की है, असल कुर्बानी जो है वो जिस्म को देने की है, असल कुर्बानी ये है कि आदमी अपने हुनर को, अपनी जो उसकी स्किल्स है उसको दूसरों में बांटे, वो भी मुफ्त में बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। तो करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं जो है यहाँ के मुंतजमीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। यहाँ आने से मुझे थोड़ी खुशी हुई, एक खुशी तो यह हुई कि मैंने देखा कि यहाँ पर रोड जाम करके बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरी ये हुई कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। मैं इमरान भाई के खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा और यहाँ के इंतजामियों को, और यही बातें जन रख के अपनी बात खत्म करूँगा। अगर मेरे बोलने में स्लीप ऑफ टंग हो गया होगा तो मैं मोदी नहीं हूँ कि मैं अड़ा रहूँगा। मैं अपने स्लीप ऑफ टंग पर आप लोगों से, प्रशासन से और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह और रब्बी मिनकुल ज़म्बी वाअस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असद भाई।